अस्सलाम वालेकुम, आई एम तारिक भट्टी और आज फिर आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक हम करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री सेकेंड ईयर क्लास जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड या दूसरे भी क्लासेस हैं उसमें मेन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम जो करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन यानी जो कंसेप्ट फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ रिलीजियस कंसेप्ट पे बिहाफ पे, क्योंकि दो कंसेप्ट हुए, एक रिलीजियस बिहाफ पे हुआ और दूसरा एक्सपेरिमेंटल यानी साइंटिफिक व्यू के हिसाब से हुआ। तो रिलीजियस बिहाफ के हिसाब से जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया? ब्रिजीलियस इन 1800s। ब्रिजीलियस ने कहा, एक न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स, वाइटल जो वर्ड है, वाइटल मीन्स लाइफ, यानी इसके कंसेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को उसने नाम क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि वाइटल की मीनिंग है लाइफ और लाइफ से जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उसके हिसाब से एक दूसरी भी बात ब्रिजीलियस ने कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ब्रिजीलियस के कंसेप्ट के हिसाब से लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं जो कि लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, ना ही वो लेबॉरेटरी में मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई ही सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरी। तो इसने जो थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने ये कहा कि बोथ कंपाउंड्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते और ना ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। मगर एक जो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक व्यू या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उस एक साइंटिस्ट है जर्मन साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है? फ्रेडरिक हुलर। ही पास्ड MBBS इन 1828 एंड दैट ईयर ही पास्ड लेक्चरशिप एंड ही बिकम अ बायोकेमिस्ट्री लेक्चरर इन मेडिकल कॉलेज। एंड इन द सेम ईयर में यानी 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्टेड किया। वाइटल फोर्स थ्योरी को किस तरह से रिजेक्टेड किया? उसने दो कंपाउंड्स लिए, उन कंपाउंड का रिएक्शन करवा के फिर एक जो कंपाउंड मिला वो हमें मिला अमोनियम साइनेट। देखें, आप लोगों के पास कॉपी भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ या लिखा हुआ है वो आप लोगों को नोट कर लें। मैंने लिखा है कि ब्रिजीलियस ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जो कंसेप्ट था, यानी हमारा रिलीजियस कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कंसेप्ट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। तो इस वजह से जो सेकेंड यानी हमें साइंटिफिक व्यू के हिसाब से, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्टेड किया वो जर्मन साइंटिस्ट था, और जर्मन साइंटिस्ट का नेम क्या था? फ्रेडरिक हुलर, और उसने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्टेड किया। किस तरह से? अब देखें, उसने दो कंपाउंड्स लिए और उनका रिएक्शन करवाया। एक कंपाउंड कौन सा लिया? एक कंपाउंड लिया अमोनियम क्लोराइड और दूसरा लिया पोटेशियम नाइट्रेट, और इनको रिएजेंट यानी एक होता है रिएजेंट्स किस तरह से, यानी जो इन रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करे रिएक्शन करने के लिए। रिएजेंट की मौजूदगी में ये पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों का खुद आपस में रिएक्शन, जो कंपाउंड हमारा बना वो बना अमोनियम नाइट्रेट और प्लस के Cl। अब अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड इसने लिया, अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड को उसकी सॉल्यूशन को वार्म किया, यानी NH4NO3
उसको वार्म किया, वार्म करने के बाद क्या बना हमारा NH टू सी डबल बॉन्ड ओ NH टू, यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं NH टू टू टाइम्स CO, एंड दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नाम क्या है? यूरिया. यानी इसने अमोनियम साइनेट का सॉल्यूशन लेके उसको लेबोरेटरी के अंदर स्लाइटली वार्म किया. स्लाइटली वार्म करने के बाद ही सॉ दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स इन अ सॉल्यूशन. व्हेन ही एनालाइज दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट ही फाउंड दैट अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड इट्स नेम इज यूरिया. तो उसने देखा कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रही हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन सा बना? यूरिया बना. मींस ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1828. तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिस तरह से हर्मन कोल्स, हर्मन कोल्स इन 1845, इसने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए. इसने एक प्रैक्टिकल नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए. इसका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था उसने क्या किया, टू कार्बन एटम्स प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसने रिएक्शन करवाया, तो कंपाउंड जो बना वो C2H2, यानी कौन सा बना? इथाइन. इथाइन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उसके बाद फिर इथाइन का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ C2H2, वाटर के साथ करवाया H2O, एंड यूज्ड कैटलिस्ट H2SO4. तो उसके बाद जो कंपाउंड हमारा बना वो क्या बना? CH3CHO. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वाइटल फोर्स थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड इन 1828 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट, हिज नेम वाज फ्रेडरिक उलर. तो उसने एक चीज नहीं, उसके बाद ही एक्सट्रैक्टेड द एसिटिक एसिड फ्रॉम विनीगर, क्योंकि एसिटिक एसिड, एसिटिक जो वर्ड है वो एसिटम से लिया हुआ है, और एसिटम की मीनिंग क्या है? विनीगर. तो बहुत सारे कंपाउंड कोल्स ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड वे एक्सट्रैक्ट की. किससे किया? विनीगर से किया, एसिटिक एसिड बनाया. और एसिटिक जो वर्ड है वो एसिटम से लिया हुआ है. एसिटम की मीनिंग क्या है? विनीगर. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर हुए हैं, और नियर अबाउट 1.5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैड बीन डिस्कवर्ड. तो और भी फास्ट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी तेजी से बन रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कि उनका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. ये बेसिक कंसेप्ट था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया. पहले इंट्रोडक्शन उसने रिलीजियस कंसेप्ट के बिहाव से बर्जीलियस ने करवाया इन 1800. बर्जीलियस ने क्या कहा, दोबारा इसको रिपीट करता हूँ. बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, और लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्स हैं जिसके बिहाव से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटीरियर में बनते हैं, जो कि मिस्टीरियस फोर्स वो लेबोरेटरी में मौजूद नहीं है. दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. दूसरा, इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनते हैं, ना ही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से बनते हैं. मीन्स दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, ये दोनों नहीं बन सकते. तो इसने इसको रिजेक्टेड किया. इस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी. और इसको रिजेक्टेड किया एक जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम था फ्रेडरिक उलर. इन 1828 उसने 1828 ईस्वी में यानी इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्टेड किया, एंड ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. और अमोनियम साइनेट कैसे बना? इसने दो कंपाउंड्स लिए, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट. और अमोनियम क्लोराइड साथ क्लोरीन और पोटेशियम, ये दोनों मिलके पोटेशियम क्लोराइड बना, और जो कंपाउंड हमें बना वो अमोनियम नाइट्रेट. फिर अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्लाइटली वार्म किया. स्लाइटली वार्म करने के बाद उसने देखा कि वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स हो रहे थे उस सॉल्यूशन के अंदर.
व्हेन ही एनालाइज्ड दीज व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया था. मींस ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1828. उसके बाद एक हरमन कोर्स न्यू साइंटिस्ट था जिसने 1845 में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए और उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए. फर्स्ट प्रैक्टिकल उसका कौन सा था, उसने कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्टेड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट. तो हमें जो कंपाउंड मिला वो इथाइन मिला, इथाइन इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इथाइन को फिर हाइड्रोलाइसिस किया और वाटर के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंपाउंड जो हमें बना वो इथेनॉल मिला. तो इथेनॉल इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किस तरह से कह सकते हैं कि दोस कंपाउंड्स, यानी यहां भी देखें कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है ये कंपाउंड जो बना है, यहां भी देखें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम मॉडर्न डेफिनेशन कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. किस तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मीन्स किस तरह से, जैसे सपोज एक मैं डेरिवेटिव का भी एग्जाम्पल कर रहा हूँ, यानी ये तो हमें पता चल गया कि CH3CHO, यानी कार्बन तो हमारा असेंशियल एलिमेंट हो गया, यानी कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर कंपाउंड शुड बी प्रेजेंट विद कार्बन, दैट इज हाइड्रोजन. यानी दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. तो अब डेरिवेटिव को किस तरह से हम कह सकते हैं, सपोज हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं CH4 का Cl2 के साथ, तो डेरिवेटिव किस तरह से बन गया, एक हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि Cl क्लोरीन इज दैट एलिमेंट वी डू नॉट रिएक्ट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट ओनली रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ HV इट विल प्रोड्यूस HCl एंड CH3Cl, मींस अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. फिर एक न्यू टॉपिक में हम उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम पढ़ेंगे, और जितनी भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास इजीली से मैसर हों, तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके. थैंक यू वेरी मच.